नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लेकर आए हैं आज का समाचार। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज का समाचार यानी दिन भर की सारी खबरें नहीं, जी हां, बल्कि सिर्फ जरूरी खबरें। यहां आपको एक ही खबर बार बार हम नहीं दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे तेज और सबसे ताजा खबर की संपूर्ण गारंटी जरूर आपको यहां पर मिलेगी। तो चलिए आज के समाचार में सबसे पहले हम आपको बताएंगे, हिंदुओं के नरसंहार के मामले में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट में यह दावा किया गया कि मुंबरेश्वर मंदिर में भक्तों के प्रसाद में जहर मिलाने के बाद संदिग्ध आतंकी सीरिया भागने वाले थे। दरअसल पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि मंदिर में भक्तों को विस्फोट और जहर देकर मारने और डराने की साजिश थी। चार्जशीट के मुताबिक हिंदुओं को मारने के बाद संदिग्ध आतंकी सीरिया भागने वाले थे। इनका प्लान था कि हिंदुओं को मारने से आईएसआई में उन्हें आसानी से बड़ा काम मिल जाएगा। सोचिए जरा, ये भारत से निकलने के लिए नेपाल और बांग्लादेश का इस्तेमाल भी करने वाले थे। और इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में सबसे खतरनाक था अबू किताल नाम का शख्स। जहर बनाने की जिम्मेदारी अबू किताल पर ही थी। अबू किताल एक फार्मासिस्ट है। अबू किताल ने आईएसआईएस के मिलिट्री साइंस चैनल पर दिए निर्देशों के मुताबिक जहर तैयार भी कर लिया था। जहर को बनाकर एक बोतल में रखा गया था। इसी जहर का इस्तेमाल मुंबरेश्वर मंदिर के 40,000 भक्तों के प्रसाद में किया जाना था, लेकिन इनकी ये नापाक साजिश कामयाब नहीं हो सकी। और मेरे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, 60 सेकंड है आपके पास, 60 सेकंड में बताइएगा कि इन 10 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बाद किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, और साथ ही क्या इससे पहले भी ये इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व थे? देखिए, लगातार ये लोग आपस में मिलते थे और धीरे धीरे आईएसआईएस के जो संदेश थे अपने एक दूसरे से पहुंचाकर एक दूसरे को रेडिकलाइज किया गया। और खासकर इनकी पूरी प्लानिंग ये थी कि एक बार भारत के अंदर कोई बड़ा कारनामा कर ले, बहुत सारे लोगों को एक बार मार दें, उसके बाद वो सीधे सीधे सीरिया फरार हो जाए। और सीरिया में जो आईएसआईएस के प्रभुत्व वाले इलाके थे उस दौर में, वहां पर जाकर वो काम करना चाहते थे और काफी खतरनाक तरीके से प्लानिंग की थी। हम जहर की अगर मैं बात करूं तो जहर का इतना कड़ा जहर था कि उसको तीन अलग अलग जगह पे तीन अलग अलग पार्ट में स्टोर किया गया था, जिसके अंदर पेस्टिसाइड, चूहे मारने की दवाई, बाकी जो केमिकल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के केमिकल्स थे वो थे। और उसके प्रयोग के लिए भी इतना सावधानी बरती जा रही थी और इतना खतरनाक जहर था कि उसको हाथ नहीं लगा सकते थे, उसको ग्लव्स के अंदर उठाया जाता था। और यूज करते वक्त में, जब लेकर ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त भी और इस्तेमाल करते, मुंह पर पूरा मास्क वगैरह लगा के करते थे, इससे अंदाजा लगता था जहर कितना होगा। सिर्फ पानी में घुल के किसी की जान लेने का नहीं था, लेकिन अगर हवा में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी डिटेल साझा करने के लिए। आगे भी इस खबर पर कोई अपडेट होगा तो आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन दूसरी खबर यह है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हम आपको बताते हैं, कोर्ट ने धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में बिना लिखित इजाजत मांगे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी स्थिति में कहीं पर भी सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह से अवैध है। धार्मिक स्थलों पर इस समय से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। कुलबीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलबीर, 40 सेकंड आपको हम दे रहे हैं, समझाइए क्या कोर्ट के आज के आदेश के बाद पंजाब और हरियाणा के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पूरी तरह से बैन हो जाएगा और ये आदेश कब से लागू होगा? देखिए, काफ़ी उम्मीद है कि इस बार अब जो कोर्ट के आदेश हैं वो लागू होंगे, क्योंकि इस बार जो आदेश दिए गए हैं उनमें जो कार्रवाई होगी वो आम लोगों पर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जिम्मेवार बनाया गया है प्रशासन को और पुलिस अधिकारियों को। तो ऐसे में साफ कहा है कोर्ट ने कि यदि नियम कहीं टूटते हैं तो पुलिस या प्रशासन के जो जिम्मेवार अधिकारी होंगे स्थानीय, वो जिम्मेवार होंगे, लिहाजा उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की तलवार लटकेगी। और यही एक वजह है कि उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि नियम या कानून इससे पहले भी हैं लेकिन उनकी अनुपालना इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि या तो पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो एक सुस्त है या फिर ये कहीं के लापरवाही वाली है। लेकिन अब यदि लापरवाही बरती तो कोर्ट की जो कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोर्ट के आदेश को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां के अलीगढ़ में बिना इजाजत
सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर अब बैन लगा दिया गया है। अलीगढ़ प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि धार्मिक समूहों को अगर कोई भी काम करना है वो मंदिर या फिर मस्जिद के अंदर ही करना होगा। अगर सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर बिना इजाजत के ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। दरअसल अलीगढ़ में कई मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज अदा की जाती है और पिछले कुछ समय से मंगलवार और शनिवार को सड़कों पर आरती हो रही थी। इससे दोनों समुदायों में तनाव की आशंका थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला किया है। पर आरती कर रहे थे विशेष करके मंगलवार और शनिवार के दिन, तो मैंने उन संगठन के प्रतिनिधियों से बात किया और उनसे कहा कि देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन सड़कों पे करने का मतलब कोई नहीं है और इससे कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो उन्होंने हमारी बात को सम्मान करते हुए अपनी कॉल वापस ले ली और उनको ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी आपको आयोजन करना तो आप मंदिर के अंदर करिए। मेरे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राजीव, 40 सेकंड में दर्शकों को बताइएगा कि इस आदेश के पीछे का असली मकसद क्या है और क्या अब हनुमान चालीसा और नमाज सड़क पर नहीं होगी? देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से अलीगढ़ में लगातार जो है बजरंग दल, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस बात को लेकर के आपत्ति कर रहे थे कि सड़कों पर नमाज होती है और उसी के एक रिएक्शन में अभी पिछले एक डेढ़ हफ्ते से जो है हर मंगलवार को और शनिवार को बजरंग दल ने यह फैसला किया था कि वहां पर महाआरती करेंगे, बाहर जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो जब ये बात जब डीएम के नॉलेज में आई है, चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की एक स्थिति बन सकती थी, अलीगढ़ एक सेंसिटिव जिला है, इस कारण से डीएम ने ये फैसला किया कि कोई भी इस तरीके की जो भी रिलीजियस कार्यक्रम है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो होंगे वो बिना जो है इजाजत के बाहर कम से कम सड़कों पर नहीं, फैसले को अमली जामा पहनाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज होगा जो देखना होगा कैसे सफल होता है। शुक्रिया आपका सारी जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर ये है कि मोदी खबर ये है कि बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। 76 साल के येदियुरप्पा ने आज ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और अब से थोड़ी ही देर पहले चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज येदियुरप्पा ने अकेले ही शपथ ली है, उनके साथ किसी और नेता मंत्री ने शपथ नहीं ली। जयपाल, मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जयपाल, अगर ये कहा जाए कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी का कर्नाटक में आज सफल हो गया। जी बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 2018 में जो चुनाव के नतीजे आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई थी, बावजूद इसके वो सरकार नहीं चला पाई। हालांकि मुख्यमंत्री पद की शपथ तीसरी बार उस वक्त येदियुरप्पा जी ने ली थी, लेकिन वो सरकार नहीं चला पाए, तीन दिनों में सरकार गिर गई थी। अब फिर एक बार मौका आया है जब उन्होंने कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और आज उन्होंने सिर्फ अकेले शपथ ली है और इस वक्त थोड़ी देर पहले शपथ लेने के बाद अभी वो विधानसभा पहुंचे हैं, थोड़ी देर में वो प्रेस से बात करेंगे। हो सकता है कि वो कुछ बड़ी घोषणा करें, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि 6.5 करोड़ कर्नाटक की लोगों की उम्मीदें हमसे हैं और हमें एक बहुत अच्छी सरकार देनी है। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी 2 दिन का वक्त लगेगा। येदियुरप्पा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी है सदन के अंदर बहुमत। ठीक है जयपाल, आगे इस खबर पर जो अपडेट होगी फिर से आपके साथ साझा करेंगे, दर्शकों तक वो पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 20 साल पहले भारतीय फौज ने कारगिल में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को भगाकर तिरंगा फहराया था। कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरा होने पर आज सेना के शौर्य और शहादत को सलामी दी गई। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर सेना के साहस और समर्पण को याद किया गया। इसी मौके पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया। बिपिन रावत ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर पर भारतवर्ष का हक तो है, अब इसको किस तरह से हमें अपने कब्जे में करना है वो एक राजनीतिक फैसला होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर पे भारतवर्ष का हक तो है, अब इसको किस तरह से हमने अपने कब्जे में करना है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि क्या वो डिप्लोमेटिकली उस पर कुछ विचार करके उसको हासिल कर सकते हैं या कोई अन्य, अगर कोई उनके मन में विचार है तो वो उस पर विचार करेंगे और आगे की कार्रवाई जिस तरह के निर्देश दिए जाएंगे उसी तरह से की जाएगी।
रविंद्र मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। रविंद्र 45 सेकंड में बताइए, सेना प्रमुख पीओके के मामले में जिस राजनीतिक फैसले की बात कर रहे हैं, इसे सरकार की तरफ से अमलीजामा कैसे पहनाया जाएगा? देखिए, बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी ने फैसला लिया था, जाहिर तौर पर राजनीतिक फैसला होता है, इस तरह की कोई भी डिसीजन होता है तो। यही बात सेनाध्यक्ष ने भी कहा, और आपने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले ही, दो दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान से अगर कोई बातचीत होगी तो गुलाम कश्मीर पर होगी। यानी राजनीतिक जो नेतृत्व है वो भी अब मान के चल रहा है और ये तय कर लिया है कि जम्मू कश्मीर तो हमारा अंग है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, गुलाम कश्मीर पर बातचीत होगी। और वही बात सेनाध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक फैसला राजनीतिक नेतृत्व नहीं लेगा, अगर बातचीत होगा या फिर दूसरे तरीके से, तो जाहिर तौर पर बातचीत अगर नहीं होती है तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, लेकिन वो कब होगा ये नेतृत्व ही फैसला लेता है हर बार। और इस और अब आज के समाचार में बात होगी मुंबई की, जहां एक बार फिर से तेज बारिश हो रही है। पिछले दो घंटे से चल रही बारिश की वजह से मुंबई के कई हिस्सों में पानी भर गया, सड़कों पर भी पानी भरने से ट्रैफिक पर इसका असर पड़ा है, कई जगहों पर लंबा जाम लगा है तो कहीं पर स्पीड पर ब्रेक लग गया है। राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एक बार फिर से बारिश ने मुंबई वासियों की परेशानी खड़ी कर दी है, किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए भयोदी, यहाँ पर मुंबई में पिछले दो घंटे से झमाझम बरसात हो गई है, और अब तक सबसे पहले मुंबई के लिए बता दूं कि इसका लोकल ट्रेन पर जो है कोई असर अब तक नहीं हुआ है, चाहे सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न लाइन की जो ट्रेन है अब तक वो समय से चल रही है, लेकिन सड़क यातायात जो है वो अब प्रभावित होना शुरू हो चुका है। खासतौर से अगर आपको बताओ तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बैंड्रा से लेकर के कांदिवली के बीच जो है ट्रैफिक धीमा है, जोगेश्वर की विक्रोली लिंक रोड पर पवई से लेकर के जोगेश्वर के बीच ट्रैफिक जो है काफी असर पड़ा है, एसपी रोड पर घोड़ेगांव के पास कुछ जगहों पर पानी भरने की खबरें आ गई है, बैंड्रा लिंक रोड पर जो है जमाव की स्थिति पैदा है। निश्चित तौर पर जो लोग अब अपने ऑफिस से घरों की तरफ निकले हैं उन्हें अब दिक्कत का सामना आगे कुछ घंटों में करना पड़ सकता है। भयोदी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आप देख रहे हैं मुंबई में दोबारा से बारिश होने के बाद लोगों की परेशानियां किस तरह से बढ़ गई हैं। आज के समाचार में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।